दोस्तों राइडू ने किया संन्यास का ऐलान, लेकिन चेन्नई ने उन्हें मना कर फिर से टीम में कराई वापसी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हम पाती राइडू के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 में चेन्नई के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक अंपाती रायडू बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है। दरअसल दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अंपाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट डिलीट कर दिया। रायडू ने पहले ट्वीट कर लिखा कि वो फ्रेंचाइजी आईपीएल के बाद यहां पर सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। 36 साल के रायडू पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हैदराबाद के रायडू चेन्नई के लिए मध्य क्रम में खेल रहे हैं। चेन्नई से पहले वो मुंबई की टीम का हिस्सा थे और अपनी टीम को कई अहम मैच जिता चुके हैं। आईपीएल के मौजूदा सीजन में रायडू फिटनेस से भी जूझ रहे हैं और 124 के स्ट्राइक रेट से 271 रन बना चुके हैं। रायडू ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह मेरी आखिरी आईपीएल होगा। यह लीग खेलते हुए मुझे बहुत मजा आया और 13 साल में मैं दो बेहतरीन मैचों का हिस्सा रहा। इस शानदार यात्रा के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां पर दोस्तों रायडू ने उसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। माना जा रहा है कि चेन्नई के मैनेजमेंट ने उनसे बात की, जिस वजह से चेन्नई के मैनेजमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी एक दो साल उनको और रुकना चाहिए। इस वजह से चेन्नई ने उनको रिक्वेस्ट करके उन्हें रोक लिया। अब रायडू कहीं नहीं जा रहे हैं, वो चेन्नई के लिए खेलने वाले हैं अगले सीजन भी। आपके हिसाब से क्या रायडू के होने से चेन्नई की टीम सुधरेगी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।